J3 मॉर्निंग व्यू भाई साहब बहुत ही सुंदर यार ये। मैंने जो तुम लोगों को उठा के दिखा दिया है। हाँ थैंक्स यार देविज। सोते रह जाते तुम सारे। बहुत ही प्यारा। Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today is the last day in Kasol क्योंकि कल का सारा दिन तो हम लोगों ने traveling भी निकाल दिया और खाने पीने में निकाल दिया but finally आज मैं और रितिका पूरे dolled up हुए हैं। This is her outfit, मेरा outfit। अब start। Guys, this is my outfit. This is actually a dress. मैंने इसके ऊपर sweater पहना with belt and the whole outfit is from Turamnagar. बाकी सब फोटोग्राफी चल रही है दिविज की। ओ माय गॉड नमन क्रिसमस ट्री लग रहे हो कसम से। सही है। Guys, today is a challenge day for me because I am going to wear sari for a short period of a time, but I'm gonna wear a sari and I'm carrying sari. और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मैंने ब्लाउज अंदर पहना हुआ है। अब देखना ये है कि मैं ये कर पाती हूँ कि नहीं। मेरे दोस्त मेरा बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे मजाक उड़ाने वाले हैं। बट ओके क्या लग गया भाई। बट दैट्स ओके आई एम गोना वेयर साड़ी फॉर श्योर। And guys, just I'm gonna show you the view. Look at the view. I mean, wow. कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है और मैं भी बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। दिविज कह रहा है ये बैग क्यों कैरी किया हुआ तूने? मैंने कहा बिल्कुल भारी नहीं है ब्रो, तू उठाएगा तेरे को भारी नहीं लगेगा। भाई मैं उठा लिया पूरी ट्रिप पे बाहर। मतलब 10 ग्राम का बैग उठाने में अब तेरे को दिक्कत हो रही है इधर देख। अब तो 10 ग्राम का बैग उठाने में दिक्कत हो रही है। ओह शिट कमीने द स्टोरी। बेचारे लड़के मैं कम मारूंगी तुझे। जस्ट लुक एट द व्यू। मैं तो बस व्यू ही दिखा। सब फोटोज वीडियोस बना रहे हैं। वैष्णवी तुम क्या लग रही हो। आमी लुक एट योर आउटफिट। लुक एट ऐसा लग रहा है भारत देखने पहली बार आई हूँ। गाइस मेरे को बिल्कुल एम्बैरेसमेंट ही नहीं होती थी। बेशरम हो गई हूँ। बट लुक एट द ट्रीज। आई मीन आई ऑलवेज वांटेड टू सी दीज काइंड ऑफ ट्रीज फ्रॉम गाइस माय फैन। मेरा फैन। इट्स ओके आई विल गिव यू पिक्चर। इट्स ओके यार बर्फ देखो गाइस वहाँ पे हम लोग। काश हाँ बर्फ पड़ रही होती। हम बहुत एक्सपेक्टिंग। मैं मेरा प्लान तो यही था कि मैं साड़ी बर्फ में पहनूंगी बट फक इट साड़ी तो पहनूंगी। प्लान यही था कि मैं साड़ी बर्फ में पहनूंगी। हाँ इसीलिए मैं दो लाई थी गाइस। हाँ इसीलिए नहीं पहन रहा ना तो वरना तो पहन रहा वरना पहन लेता। इसलिए ब्लाउज बनवा के लाया हूँ उसको। पेटीकोट मैं तो पेटीकोट लाई ही नहीं हूँ। गाइस कसौल की स्ट्रीट्स में जैकेट्स एंड बैग्स और स्कार्व्स सब कुछ काफी कूल स्टफ रहता है वहाँ पे। मतलब जितना भी देख रही थी काफी कूल। नमन हमें कोई रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं नमन? मोस्ट फेमस कैफे में जा रहे हैं। मोस्ट फेमस इंस्टाग्रामिक कैफे। इंस्टाग्राम पे भी सबसे फेमस कैफे ऑफ लिमिट्स। ऑफ लिमिट्स ये मैंने सुना हुआ आई थिंक। कसौल का पूरा प्रमोट यही कर रहा है। अच्छा नाइस यार। लो रिवर साइड कैफे में जा रहे हैं। ठीक है आई थिंक ये अभी तक का हमारा सबसे क्लासिक कैफे होगा जितने जो लैविश कैफे में जा रहे हैं। यस ये हम मनाली गए थे वहाँ पर भी रिवर साइड कैफे में बैठे थे ना। हाँ वहाँ का वो सबसे अच्छा था। हाँ का ये सबसे अच्छा। सो गाइज ये थी एंट्रेंस ऑफ लिमिट्स कैफे की। एंड जिस चीज के लिए हम आए थे रिवर साइड देखने के लिए कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से रिवर साइड वाला एरिया बंद कर दिया था। आई मीन वाओ बट इट्स ओके। व्यू काफी अमेजिंग था। अगर आप देख सकते हैं पहाड़ दिख रहे हैं। कैफे हम लोग ओपन में बैठे थे। अंदर भी बैठ सकते थे बट हम लोगों ने ओपन में बैठना पसंद किया क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से पहाड़ ट्रीज वगैरह बहुत अच्छी तरीके से विजिबल थे। यू कैन क्लियरली सी ब्यूटिफुल वेदर। हमने कुछ शेक्स ऑर्डर करे थे। कॉफ़ी ऑर्डर करी थी जो कि काफ़ी अमेजिंग थी। एंड ऑल्सो आई लव्ड द पास्ता। तो अगर आप इस कैफे में जाते हो तो प्लीज़ डू ट्राई द पास्ता। एंड दिस इज़ रितिका। शी इज़ इन्जॉइंग हर ओन कंपनी। अपने से मस्त इन्जॉय कर रही है। और ये व्यू देख सकते हैं। ऑल्सो डू ट्राई द पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा वॉज अमेजिंग। जहाँ जाती हूँ वहाँ आउटफिट अपना ना दिखाऊँ ऐसे कैसे हो सकता है गाइज। थोड़ी देर मुझे ऐसी बर्दाश्त कर लो। आई लव माई आउटफिट टुडे। अरे ऑलमोस्ट लड़के गए बाइक से पर हम जा रहे हैं किससे?
किससे जा रहे हैं हम? ट्रैवलर से जा रहे हैं क्योंकि हम नवाब के गाइस हमें ठंड लगती है, ठीक है? सो इस वजह से हम आराम से सीट पीछे करके बैठ के जाएंगे। मेरा अलग सीन है, वृतिका मुझे मना कर रही है कि वो नहीं जाएगी। तो मैं कुछ मना नहीं कर। क्या वृतिका जाएगी ना, तो फिर मैं कैसे चला जाऊं? ओ हमें क्या क्या है, जाड़ा है, बाहर जाड़ा जाड़ा है और हमें लगता है जाड़ा से डर। यू आगे विद अ ब्यूटीफुल व्यू और हम जा रहे हैं मणिकर्णिका, बहुत एक्साइटेड है, चलो चलते हैं भाई। क्या व्यू मस्त लग रहा है ना, अंदर से फोन वाला ले जा जरा। आई एम इन लव विद बर्ड्स गाइज। मुझे ना कसौल के पहाड़ एक्चुअली बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा पीसफुल थे। मैं यही तारीफ़ कर रही हूँ कि पीछे गाने बज रहे, इस वजह से मैं अपनी वॉइस नहीं डाल पा रही। मैं बहुत खुश थी अंदर से, मतलब आई वॉज वेरी 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 हैप्पी गाइज। मैगी खाने का टाइम आ गया है, पहाड़ों पे आए, मैगी नहीं खाई, तो क्या खाई। सो गाइज हमने वहाँ पे टिक्की ऑर्डर करी थी एंड ऑल्सो हमने मैगी ऑर्डर करी थी। मैंने नहीं खाया था पर इन लोगों ने बताया कि काफ़ी अमेजिंग था। मणिकर्णिका के सामने ये शॉप है, आप वहाँ से खा सकते हैं। सो गाइज ये है गुरुद्वारे जहाँ पर हम लोग आए थे एंड रितिका बता रही थी कि जो बाढ़ आई थी वो इसी गुरुद्वारे में आई थी पुल के ऊपर से और बहुत ही भयंकर थी, काफ़ी कुछ टूट गया था बट अब इन लोगों ने सब कुछ फिक्स कर दिया है। गाइज अगर आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये पानी है, जहाँ पर इस तरफ से ठंडा पानी रहता है बट जहाँ से धुआँ आ रहा है ना, अगर आपको यहाँ पे धुआँ शो नहीं हो रहा बट वहाँ पे गर्म पानी रहता है और यहाँ पे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि वो पानी इतना खौलता हुआ गर्म क्यों है। चलिए आप भी मेरे साथ गुरुद्वारे के दर्शन कर लीजिए। ये थी वहाँ की एंड और ये रहा गुरुद्वारा, यहाँ पर हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। ये लीजिए गाइस, आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए, आपको जो मांगना है इस गुरुद्वारे में मांग लीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी आई विश। सो गाइस दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, देखिए कैसे धुआं निकल रहा है, ये इस साइड खोलता हुआ पानी है और अगली साइड ठंडा है, क्या है क्यों है भगवान ही है सिर्फ इसका रीजन यार। सो गाइस नाउ द ट्रिकी पार्ट स्टार्ट, बाहर की लाइटिंग जा रही है और मुझे साड़ी पहननी है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू वेयर अ साड़ी एंड आई डोंट नो हाउ टू वेयर अ साड़ी but we gonna try it because हम थोड़े पागल हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं मैं कितनी सारी लेयर पहनी हुई है मैंने, but हम फिर भी ऑलरेडी मैं इतना मोटा जैकेट और ये उतार चुकी हूँ। गाइज आई एम चेंजिंग द क्लोथ एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग सो मैनी लेयर्स एंड पर ऑल्सो फैशन के लिए कुछ भी करेगा। यू कैन सी द अमाउंट ऑफ लेयर्स आई एम रिमूविंग राइट नाउ। मुझे साड़ी पहनने नहीं आती है, आई जा रही है बाहर की। दिस इज हाउ द साड़ी लुक्स, आई थिंक दिस लुक्स स्टूपिड बट स्टिल वी गोना ट्राई समथिंग। गाइस लाइट जा रही है, वृतिका ही मेरी हेल्प कर रहा है जितना रिकॉर्ड हो पाए। पागल है क्या? गाइस साड़ी पहन लिया मैंने और मैंने कितने लेयर्स उतारी है वृतिका? चार लेयर्स उतारी है। बाहर हम जा रहे ठंड में, कितना टेम्परेचर है? कितना चार पांच टेम्परेचर है और अंधेरा है। मेरी साड़ी खोल ना जा, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड नहीं लग रही, नहीं लग रही है अब। नहीं, अब यहाँ so यहाँ से मेरा वीडियो बनाने का सफर शुरू हो गया था। आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड कि वीडियोज अच्छी बन जाएं बिकॉज अंधेरा हो रहा था, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको मेरी रील देखनी है आप इंस्टा पे जा सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स पे भी डाली हुई है। ऑब्वियसली इसमें मैं म्यूजिक के साथ नहीं डाल सकती और आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू माई ईच एंड एवरी फ्रेंड जो कि इस तरीके से खड़े थे, वॉज सो सपोर्टिव अबाउट माई एवरी स्टूपिड डिसीजन डेट आई टेक एंड दे आर लाइक टू कर नो वी आर देयर। और मेरी फ्रेंड की हालत कुछ ऐसे, ये ग्लव्स उतारने पड़ रहे रिकॉर्डिंग करने के लिए, सभी झन 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 हो रही है। तुम तो पागल हो, पल्लू लहराना है, पल्लू लहराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आते जाते लोग देख के जा रहे हैं ये क्या शूटिंग चल रही है। बाइक में कसौल में बाइक में साड़ी में मर जाओ।
गाइज इसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा था, तो उसी साड़ी में मैं बाइक पे बैठ के टॉश वाले रास्ते पे गई, टॉश नहीं तो सॉरी, एंड वहाँ पे भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की. आप देख सकते हैं पीछे बर्फ थी एंड यहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी, बट मैं ठंड भूल गई थी क्योंकि मुझे अपनी वीडियोज बनानी थी. राइट नाउ It's very freezing. इतने सारे लेयर्स इसने पहने हुए हैं, 5 डिग्री, और मैं बैकलेस ब्लाउज पहन के इन वादियों में मजे कर रही हूँ. हिम्मत हो तो ऐसी कंटेंट क्रिएटर लाइफ. और मेरी माँ जो मेरी वाट लगाने वाली है ना, मैं उनकी साड़ी पहन के हालत खराब. लोग मोटी जैकेट में है, कहना चाहेंगे आप मुझे साड़ी में देख के? देखो पागल होने की भी घर होती है. ऊपर से नीचे तक कपड़ों में लत पत. बिल्कुल हम ऐसे ही ठीक है मालिक, हम ऐसे लहरा नहीं सकते. बीमार लग रही है. कैसी लग रही हो? बहुत ही सुंदर. मतलब मुझे तो लगता है सारी लड़कियों को साड़ियों में आना चाहिए पहाड़ पे, चाहे ठंड हो ना हो. तो वो भी स्लीव छोटी वाली. और एग्जैक्टली स्लीव छोटी वाली. हाँ वही स्लीवलेस. यार मुझे कम पता है स्लीवलेस बैकलेस. बैकलेस हाँ, मतलब कि बिल्कुल ऐसा हो जाए कि बुरा हाल. चुप रहा है तेरे को देख के. वैसे तो ठंड लग रही है, पर तुझे लग रही है क्या? सबको जेन्युइन ऐसे ही आना चाहिए. कसौल, ताज, तोश, जहाँ जाना हो मिडवे में हम तोश के बिल्कुल बर्फ में बिल्कुल ऐसी, क्योंकि हम पागल हैं, हमें ठंड लग रही है. ऐसे कपड़े पहनोगे ठंड नहीं लगेगी. पफर जैकेट, फ्लीस, सब बेकार है. इनर, थर्मल, सब बेकार है भाई. और को भी तो ठंड नहीं लगेगी. सब बेकार है. मैं बहुत पागल हूँ, मुझे पता था. अब मुझे बहुत ठंड लग रही है गाइस, बहुत तेज ठंड लग रही है. नमन तूने मेरी तारीफ नहीं की. तारीफ कर कैसी लग रही है? नाइट मोड ऑफ. माल आई मीन कमाल लग रही है. बैक टू बेसिक्स. नमन की जैकेट मार ली है मैंने, बेचारा दिख नहीं रहा यहाँ. अमन की जैकेट मार ली है, बस इतना ही फैशन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. इससे ज्यादा नहीं हो सकता. आशी आप अच्छी लग रही हो भाई. तो है क्या? चाय पिलाएंगे? चाय पीनी पड़ेगी. मैं तो अभी देखो शादीशुदा लग रही हूँ, बिंदी लगा के. बिल्कुल मुबारक हो. बिना पति का? बिना पति है ना आशीष. गाइस मैं आई हूँ चाय पीने क्योंकि मेरी हालत हो चुकी है खराब. जितना स्टार्टिंग में जितना इजी लग रहा था, उसके जब वीडियो वगैरह बन गई मेरी, तब मेरी हालत खराब हो गई. को रहना रियलिटी हिट की अब बन गया कंटेंट. अब क्या करूं? अब तो ठंड है. चाइज एंड मोमोज पार्टी. चाइज एंड मोमोज. चाइज एंड मोमोज. मोज मोज. महसूस कर रही हैं आप? बहुत ठंडा महसूस कर रही हूँ. जैकेट मार ली है मैंने. हो गया मेरा कंटेंट. कंटेंट बन गया मेरा. रियलिटी यही है. बहुत बढ़ रही है. अपने कपड़े वापस पहनेंगे. बिच गए थे बाइक से. मेरी हिम्मत तो नहीं है बाइक से जाने की. बाइक से सिर्फ हम छोटी सी लोकेशन तक गए थे, लेकिन मजा आई साड़ी में पहन के. बाइक पे जाने में मजा तो आया. सो गाइज आई एम बैक टू बेसिक्स. मैंने अपने कपड़े दोबारा पहन लिए और मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ. इट्स लाइक वार्म वार्म बहुत ज्यादा. हाँ चल मैं घुमाने ले चलती हूँ. चलो 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 चले. बस पैर दिख, पैर दिख गई हूँ. गाइस लुक कि हम रात को किन रस्तों से पतले पतले रस्ते. ये भी जो हमारा फ्रेंड बन गया जा रहे हैं. इसका नाम है सुशी. सुशी हमारी स्टेट के हिसाब से सुशी बदलती रहती है. क्यूट डॉग. हम लोग एक्चुअली कैफे में जा रहे हैं. आशीष कैसा फील कर रहे हैं आप? बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है. बड़ा मजा आ रहा है. गाइस हम लिटरली रिवर साइड चल रहे हैं. वो रही ऋतिका. आप ये देख सकते हैं वहाँ पे नदी है और ये सुशी हमारे साथ ही आ रही है. यार देख उसके साथ कितना प्यारा डॉगी है. हम उस आग में हाथ सेकने जा रहे हैं. हम दिमाग से पैदल है क्योंकि हम नवाब के चौधे हैं. यार
फैमिली व्लॉग है यार. व्हाट आर यू डूइंग? तो फिर क्या बोलती है तू? नवाब के 14? हाँ. हम नवाब के 14 है. सॉरी फॉर दैट वर्ड. ओह गॉड गाइस, ऑक्सीजन लेवल कम है ना, तो दिमाग कम चल रहा है. है ही नहीं. नहीं है, दिमाग है, कम चल रहा है. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. आजा मेरी गाड़ी में. गाइस वो देखो पीछे ऊपर आग लग रही है. अब हम जब हम कैफे पहुंच जाएंगे, हाँ, अब हम जब कैफे पहुंच जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे कैफे में पहुंचे और फिर आपको मिलाएंगे. अभी हमारी हिम्मत नहीं हो रही ब्लॉग करने की. फ्लैश पागल रास्ता नहीं दिख रहा कुछ. गाइस कसौल की वाइब ना काफी ट्रिपी है. मतलब कैफेज वगैरह में ऐसी ब्लू लाइट्स एंड ऑल रहता है. मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक ही लगा. कुछ खास मल साले के वो ऊपर वो कहां से खींचते हैं? नीचे से ऊपर से. कैसे बीमार हो गए थे? हमें ठंड लग गई थी. हाँ बहाना सोच रखा है. लास्ट टाइम व्यू एंजॉय कर लो. बहुत मजे आए. वेरी वेरी नाइस. सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल. टिल देन बाय. पीस आउट. आई होप मतलब इन दोस्तों के साथ मैं नेक्स्ट ट्रिप में मिलूंगी. वैसे तो व्लॉग्स आते रहेंगे. चलो बाय.